हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आज का ब्लॉग मैं सुबह से ही स्टार्ट कर रही हूँ और अभी मैं जा रही हूँ किचन में। चाय बनाऊंगी और पालक की पकौड़ी, जिसे सोहना भी बोलते हैं। तो चलिए, सोहना बनाने की मतलब तरीका आप लोगों को बता दें। तो चलिए, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये पालक है। पालक को हमें साफ़ करके बारीक बारीक कट कर लेना है और फिर उसको धुल के रख देंगे। और रात में मैंने ये दाल, मटर की दाल है, इसे भिगो के रख दिया था। तो अब मैं इसको पीस लूँगी और ये देखिए पीस चुकी है। और मसाले में मैंने लिया है प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, और इसी में मैं ये भी पीस लूँगी और थोड़ा सा जीरा भी लूँगी। जीरा का फ्लेवर इस पकौड़ी में बहुत ही अच्छी आती है। तो अभी ये देखिए मैंने पीस लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी कटे हुए पालक। और मैं क्या बता दूँ, पालक की भी सोहना बनती है और अरबी के पत्ते की भी बनती है, तो वो भी मैं शेयर करूँगी। तो मसाले में मैंने लिया है हल्दी, धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर, यही बेसिक मसाले हैं। इसमें अगर आप चावल का आटा भी ले लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बनती है। तो मैंने चावल का आटा भी लिया है और इसको अच्छे से हम गूँथ लेंगे। और जब तक गूँथेंगे कि जब तक ये अच्छे से पालक इसमें मिक्स ना हो जाए, और उसके बाद ही हम नमक डालेंगे। नमक को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए, अभी ये दोपहर का क्लिप है और मेरे हस्बैंड जी मसाले लेकर आए थे, हमें इस मसाले बनवाने हैं। तो मसाले में हल्दी लाए थे, धनिया और मिर्च, इनको हमें मसाला को पिसवाना है। जैसे हम इसे पिसवा कर ही खाते हैं, पैकेट वाला मसाला हम यूज नहीं करते हैं। तो हल्दी को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में फोड़ रही हूँ। और ये देखिए, धनिया और मिर्च और गरम मसाले को मैंने धूप दिखा दिया है, धुल के मैं धनिया को मैंने धुल के ही रखा है। और ये गरम मसाले हैं और वो हल्दी और मिर्च, इनको हम पिसवा कर फिर यूज करेंगे। तो इसी प्रकार से हम मसाले बनवाते हैं। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? मैं सुबह से अब आपसे मिल रही हूँ और शाम के करीब 5 बज रहे हैं। और ये देखिए मैं जा रही हूँ ये आम की मुरब्बा बनाने, जिसे कहते हैं गलका भी और मुरब्बा भी। और
इसे बनाने के लिए हमने लिया है ये देखिए धनिया, मिर्च और थोड़ा सा जीरा और गुड़ और कुछ लहसुन की कलियां। तो सबसे पहले हमें ये देखिए नाक पे मेरे, नोजी पे मेरे बहुत ज्यादा चोट लग गई थी, अभी ये बहुत दुख रही है। तो सबसे पहले हमें धनिया मिर्च को भून लेना है। चलिए मैं पहले स्टैंड में लगा देती हूँ मोबाइल, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो कढ़ाई को रख दिया है गरम होने के लिए, फिर उसमें हम धनिया मिर्च और जीरा को भून लेंगे और भूनने के बाद इसे हल्का दरदरा पीस लेंगे मिक्सर में और फिर ऑयल डाल करके लहसुन को फ्राई करेंगे, फिर उसमें आम डाल देंगे और थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी, गुड़, बस थोड़े से भूनेंगे। उसके बाद मैं इसमें पानी डाल दूंगी और एक दो उबाल लूंगी। तो इसी तरीके से बनाती हूँ और बहुत ही इजी है, तो आप लोग जरूर ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है। नहीं किया और खाने में मैंने केवल दाल चावल ही बनाया था, तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ नहीं शेयर किया। इस टाइम में यही मुरब्बा बना रही हूँ, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। और थोड़ा सा तबीयत भी डाउन है इस समय, तो कुछ काम करने को भी मन नहीं कर रहा है। तो अभी मैं देखिए इसे छौंक लगाऊंगी और इस मसाले को मैं मतलब मिक्सर में पीस लूंगी दरदरा और फिर इसको इसमें डाल दूंगी और गुड़ भी साथ में डाल दूंगी। तो समझिए ये रेडी है, बहुत ही इजी है। बन चुका है, अभी मैं उसे थोड़े देर ठंडा करूंगी, ठंडा करके फ्रिज में रख दूंगी, वो ठंडी ही अच्छी लगती है। तो बच्चों का बहुत मन हो रहा था तो मैंने सोचा चलिए बना देते हैं, और बहुत ही कम समय लगती है मुरब्बा बनाने में। आप लोगों के यहाँ इसे क्या कहते हैं? हमारे यहाँ तो मुरब्बा कहते हैं, गलका कहते हैं। अगर चाहें तो आप इसमें कच्चे पपीते भी डाल सकते हैं, और हमारे यहाँ जो एक आती है मेथोड़ी वाली खबहा उसे बोलते हैं, जिससे मेथोड़ी बनती है, तो उसे भी हम कट करके इसमें डाल सकते हैं। तो चलिए सादा सिंपल सा था तो बना दिया। तो बस आज का वीडियो यहीं तक था, ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाए, उसके लिए सॉरी फ्रेंड्स। और मुझे जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, मैं उनसे दिल से शुक्रिया कहूंगी। और जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं, मैं उनसे दिल से धन्यवाद देती हूँ। मुझसे ऐसे ही जुड़े रहिए, मेरा वॉच टाइम ऐसे ही पूरा करवाइए, और कोशिश करूंगी आप सबको भी मेरी तरफ से थोड़ी बहुत जो हेल्प मैं करती हूँ वो कर सकूँ। आपके वीडियो पर भी आती हूँ, तो इसी तरीके से हम लोग एक दूसरे का वॉच टाइम पूरा करवा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा नर्वस रहती हूँ, टेंशन में रहती हूँ वॉच टाइम को लेकर, क्योंकि वॉच टाइम बहुत ज़्यादा पूरा करना है अभी। और क्या है, स्पैम सब लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं, तो उनसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को 2-3 मिनट देखकर ही कमेंट करिए। ये आपके लिए भी बुरी है, मेरे लिए भी बुरी है, इससे क्या होता है चैनल का जो छवि है वो खराब होता है। तो स्पैम लेटर बिल्कुल मत करिए,
2-3 मिनट वीडियो देखकर ही कमेंट करिए, जो तुरंत ही वीडियो ओपन करके 1 सेकंड 2 सेकंड 4 सेकंड वीडियो देख करके कमेंट कर देते हैं तो स्पैम में चल जाता है, तो वो कमेंट में भी नहीं देख पाती हूँ। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग स्पैम कमेंट बिल्कुल मत करिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो मत देखिए, लेकिन स्पैम कमेंट मत कीजिए। तो बस आज का वीडियो यहीं तक था। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और मुझसे ऐसे ही जुड़े रहिएगा। तो मिलती हूँ आपसे एक अच्छी सी वीडियो के साथ, और कोशिश करूँगी आप लोगों के बीच अच्छी अच्छी वीडियो लाऊँ। तो चलिए जो है तो सो है, आज मैंने जो है तो दिखा दिया थोड़ा बहुत जो शूट किया था। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे एक अच्छी सी ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।